सजग। और आज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा सीट फिटनेस से मोराडर फैट पैड बेंच आ रखी है। ये बेंच काफी चौड़ी आपको दिख रही होगी। ये बेंच उन पावर लिफ्टिंग एथलीट्स के लिए है जिनको बहुत ही हैवी ट्रेनिंग करनी होती है। और आप देखते हैं जिम में जो बेंच होती है वो इतनी पतली पतली सी होती है। तो जो इसकी थिकनेस है देखो तो बहुत ज़्यादा है। जो इसका एरिया है फिट जो उसकी वो 14 inches है, मोर देन अ फुट बाई 2 inches, राइट। अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हम सेटअप कैसे करेंगे। बहुत ईजी तरीका है। इसके पीछे यहाँ पे होल्स दिए हुए, हमको अपने ये छोटे छोटे बोर्ड्स लगाने और ये हमारा इसको हो जाएगा सेटअप। देखो पास आगे दिखाइए हमारे इस बेंच की क्वालिटी। ये सीज का लोगो है यहाँ पे। ये काफ़ी ईजी हैंडलिंग के लिए हैंडल है। आगे टायर लगे हुए हैं देखिए सर, ताकि आप इसको आराम से यूज कर सकें। जबकि ये 35-37 किलो का है। स्पेक्स में शेयर कर दूंगा नीचे कैप्शन में देखिए। और ये पूरा का पूरा जो इसका पूरा बेस बना हुआ है ये 11 गेज है, 11 गेज इन दैट वेट। इसकी जो कैपेसिटी है वेट लोडिंग कैपेसिटी वो अराउंड 850 kg है। इतनी मेहनत करें कोई नहीं मारेगा, क्योंकि हरी को मारा है थोड़ी देर में है ना। पर ये बेंच बहुत स्टडी है, आपको इसमें ट्रेनिंग करने में कोई इशू नहीं होने वाला है। बाकी अगर इसको इसमें अटैच करके दिखाते हैं आपको। अटैचमेंट के लिए बहुत सिंपल तरीका है, इसको खड़ा करेंगे यहाँ पे होल दिए हैं, ठीक है। और दे पेज अर्जुन हमारी बेंच एकदम सेट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेट होते हुए मैं कैसा रखता हूँ, क्योंकि मैं भी काफी चौड़ा बनता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस पे मेरे प्रॉपर ट्रैप्स रीडेंट्स, मेरी अपर बैक भी काफी अब तक सेट होके आ रही है, ठीक है। तो मुझे इसमें अपने शोल्डर की सेफ्टी के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बारबेल जब मैं लोड करके लाऊंगा तो आई विल बी फीलिंग वेरी स्ट्रांग। अभी मैं जो को बेंच प्रेस मार के दिखाऊंगा तो 10 मिनट में आएगा। इस बेंच पे मैं ट्रेनिंग पिछले 3 या 4 महीने से कर रहा हूं और मेरे हिसाब से दिस बेंच इज सपोज टू बी वन ऑफ द स्टडीस्ट बेंचेस आउट देयर। और एक बार इस पे हम आप लोगों को बेंच प्रेस करके दिखाते हैं, उसके बाद मैं बाकी इन्फॉर्मेशन आपको और शेयर करूंगा। अभी हम लोगों ने बेंच प्रेस करी है, अभी मैंने हरी ओम ने। आपको हमारी बेंच कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा अपने व्यूज। और टू रिकैप द होल वीडियो बेंच के बारे में मैं आपको स्पेक्स फिर से एक बार बता देता हूँ। ये बेंच 37 kg की है, इट्स वेरी हैवी। इसके इसका जो ये फोम है इट्स EVM वेरी हाई क्वालिटी। ये जो हमारे टायर्स हैं दे आर वेरी वेरी सीमलेस एंड वेरी स्टडी। इस बेंच की जो हाइट है वो अराउंड 17 inches है, 1.5 फुट के आसपास। जो इसकी विड्थ बेंच की वो 14 inches है, मोर देन अ फुट। मेरा से फालतू बाहर निकल रही है। और जो ये मटेरियल है इट्स एंटी स्किड मटेरियल। आपको इस बेंच में कभी भी योगा मैट या फिर आपको रेजिस्टेंस बैंड फिक्स करने की नीड नहीं है कि आपकी बॉडी स्लिप करेगी। योर बॉडी विल स्टे पुट ऑन दिस वन। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। इस बेंच का प्राइस 13,750 के आसपास है। वेबसाइट पे मैं लिंक शेयर करूंगा, अभी आप लोग जाके चेक कीजिए। दिस प्राइस इज वेरी कम्पिटिटिव एंड वेरी चीप एज कम्पेयर टू द क्वालिटी दैट सीज इज प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। और सीज हमेशा अपने हर इक्विपमेंट के साथ आपको लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड करता ही है। सो प्लीज चेक दिस बेंच आउट, इट्स बैंग फॉर योर बक। और आई स्टैंड बाय इट। मैं इसी पे ट्रेनिंग करता हूँ एंड मोर PRs कमिंग सून ऑन दिस बेंच ओनली। टिल देन गेट स्ट्रॉन्गर। थैंक यू सो मच, बाय।